सो हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जो है बीएससी फर्स्ट ईयर पेपर वन का सेकेंड पार्ट देखने वाले हैं। फर्स्ट पार्ट में मैंने जो है लॉ ऑफ मोशन के कुछ बेसिक से फंडे बताए थे, उसको आप लोग जरूर से देख लीजिएगा इसके जस्ट पिछले वाले वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग जो है उसके आगे का कवर करने वाले हैं। तो आगे है हमारा जो है मोशन इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। क्योंकि दोस्तों मैं बता दूं कि बीएससी में जो पेपर में होता है कि 5 नंबर का जो हम लोग को क्वेश्चन देता है या 1-2 नंबर का जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है उसको नहीं दिया जाता है, तो हम लोग को मोस्टली फोकस अपन लोग को डेरिवेशन में करना है। तो ठीक है, मैं यहाँ पर आप लोग को डेरिवेशन बना के बताऊँगा, आप लोग उसको अपने कॉपी में जरूर बनाते हुए चलिएगा। ठीक है, ऐसे में क्या है दोनों का प्रैक्टिस होता चलेगा। तो सबसे पहले मोशन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में क्या होता है कि जब कोई पिंड एक क्षेत्र में गति करता है तो उस पर क्षेत्र के कारण एक बल आरोपित होता है। ठीक है, उस पर जो जो फील्ड रहता है वो एक फोर्स लगाता है जिससे कि वस्तु पर एक समान जो है एक्सेलरेशन या त्वरण कार्य करने लगता है, जिससे हम लोगों ने 9th में वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी वाला फॉर्मूला तो पढ़ा ही है। उसके बाद हम लोगों ने दूरी, एस इज इक्वल टू दूरी होता है, तो दूरी का फॉर्मूला भी हम लोगों ने पढ़ चुका है। तो ये बेसिक सा कुछ मोशन का जो है समीकरण है जिसको आप लोग को ध्यान में रखना है क्योंकि इसमें यूज़ होने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा बीएससी का जो पार्ट में जो है सबसे मोस्टली यूज़ होने वाला है, जो एग्ज़ाम में बहुत ही पूछा जाता है, वो वस्तु की गति का अध्ययन करने हेतु हम लोग विभिन्न कोऑर्डिनेटिंग सिस्टम यानी निर्देशांक पद्धति का जो है हम लोग यूज़ करते हैं। तो उसके बारे में जो है डेरिवेशन आप लोग को मोस्टली हर साल एक ना एक डेरिवेशन आप लोग से पूछा जाता है, ये बहुत ही वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आप लोग टिक मार के चलिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक एक वीडियो में आप लोग को ये चीज़ क्लियर करूँगा। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक आता है कि कार्तीय निर्देशांक पद्धति वाला। ठीक है, तो कार्तीय निर्देशांक पद्धति का हम लोग जो है डेरिवेशन यहाँ पर देखने वाले हैं। तो कार्टिजन आप लोग ये मत कीजिएगा, मैं हिंदी मीडियम से हूँ, मैं इंग्लिश मीडियम, मैं दोनों लैंग्वेज में आप लोग को प्रोवाइड कर सकता हूँ। आप लोग जो भी दिक्कत होता है उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा मेरे को। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग कार्तीय निर्देशांक पद्धति देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये सपोज करके चलते हैं कि जो जैसे पार्टिकल जो है वो कहीं आकाश में कहीं पर रखा हुआ है। ठीक है, ये जो पार्टिकल का पोजीशन है वो आकाश में है। ठीक है, तो वो तीन तीन तरीके से गति कर सकता है। ठीक है, तीन साइड से मोशन करते हैं, एक तो वो मोशन ऊपर साइड से कर सकते हैं, एक मोशन वो इधर अलोंग द कर सकता है, और थर्ड जो है वो इसके परपेंडिकुलर जो है मोशन कर सकते हैं। तो हम लोग 3D ज्योमेट्री का अध्ययन कर चुके हैं और ये आसानी से जानते हैं कि जो पार्टिकल आसमान में रहता है वो तीन तरीके से मोशन कर सकता है। ठीक है, तो इस साइड उस जो जाता है उसको हम लोग बोलते हैं एक्स अक्ष के अलोंग मोशन कर रहा है। ठीक है, इस साइड जाता है उसको हम लोग बोलते हैं वाई अक्ष के अलोंग जो है पार्टिकल मोशन कर रहा है, और इस साइड को हम लोग बोलते हैं जेड जेड कंपोनेंट के साइड जो है पार्टिकल जो है मोशन में है। ठीक है, तो हम लोग जैसे कि यहाँ पास को हम लोग बोलते हैं आई, यहाँ पास को हम लोग बोलते हैं जे, और ये बोलते हैं के सॉरी के हैं। ठीक है, तो आई जे और के जो है इसका वेक्टर वेक्टर होता है। ठीक है, ये इसकी दिशा बताता है कि कौन से साइड में है पार्टिकल, कौन से साइड से मूव कर रहा है। ठीक है, तो एक बेसिक सा हम लोग यहाँ पास कोऑर्डिनेट निर्देशांक पद्धति का हम लोग समझ सकते हैं। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम लोग जो है कार्तीय निर्देशांक पद्धति में जो पार्टिकल का जो है मोशन मोशन का जो पोजीशन होता है, ठीक है, कण की स्थिति क्या होती है यहाँ पर, जो मोशन पार्टिकल का कण की स्थिति पोजीशन होता है, आर से हम लोग इसको डिनोट करते हैं। ठीक है, आर इज इक्वल टू एक्स आई कैप। ठीक है, आई जो है दिशा बताता है, उसके बाद जो वाई डायरेक्शन का लिखते हैं तो वाई जेड कैप। ठीक है, उसके बाद जेड के कैप हो जाएगा। ठीक है, ये मोशन का पोजीशन है, मतलब पार्टिकल का जो पोजीशन इस प्रकार से रहता है। ठीक है, जो आई जे क्या है, आई जे के जो है आई और जे और जो के है वो एक्स वाई जेड के अलोंग यूनिट वेक्टर है। ठीक है, एक्स वाई जेड के अलोंग यूनिट वेक्टर है। ठीक है, आप लोग नोट कर लीजिएगा इसको, यूनिट वेक्टर है। ठीक है ना, तो ये आप लोग को बेसिक सा फंडा है जो समझना है। ठीक है, उसके बाद हम लोग को ये कण की स्थिति, हम लोग को यहाँ पर तीन चीज़ें निकालना रहता है, कण की स्थिति पूछता है। ठीक है, स्थिति हम लोग को स्थिति पूछता है, पोजीशन। ठीक है, उसके बाद हम लोग को वेग निकालना रहता है,
उसके बाद हम लोग को बोलता है कि त्वरण निकालिए, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ों को हम लोग को जो है कैलकुलेशन करना है, ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो आगे हम लोग जो है कर्ण की स्थिति यहाँ पास निकाल सकते हैं। उसके बाद हम लोग जो है कर्ण का वेग निकालने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पास हम लोग लिखते हैं कर्ण का वेग, ठीक है ना। तो आप लोग स्टेप बाय स्टेप थोड़ा हेडिंग डाल डाल के बनाइएगा, ताकि जो एग्जामिनर है उसको ज़्यादा दिक्कत ना हो और आप लोग को भी समझ में अच्छे से आए, ठीक है। तो यहाँ पास वेग है, ठीक है। वेक्टर एक डायरेक्शन होता है, मतलब वो वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है ना। यहाँ पास हम लोग वेक्टर को अपन लोग एक तरीके से लिखते हैं, आप लोग डिफरेंशिएशन के फॉर्म में इसको लिखना रहता है, ठीक है। तो जो मोशन में जो परिवर्तन हो रहा है, जो वेग है जो धीरे धीरे बदल रहा है, ठीक है, तो धीरे धीरे चेंज हो रहा है, उसको हम लोग क्या लिखते हैं, डी अपॉन डी टी। चूँकि टाइम के रिस्पेक्ट में जो है इसका वेग परिवर्तन हो रहा है, इसलिए हम लोग डी अपॉन डी टी लिखते हैं, ठीक है। और किसके क्या चेंज हो रहा है, मतलब उसकी स्थिति चेंज हो रही है, स्थिति में परिवर्तन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, वेग बोलते हैं ना। तो वे स्थिति क्या हम लोग डिनोट कर रहे हैं, आर। तो यहाँ पर जो चेंज होगा वो इसमें होगा, आर में होगा, मतलब स्थिति में होगा ना चेंज, ठीक है। आप लोग यहाँ से समझ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, अब ये स्थिति, अब यहाँ पर स्थिति तीन स्थिति बन रहा है, चूँकि पार्टिकल जो है आसमान में है तो तीन स्थिति में बनेगा। तो हमारा हो जाएगा डी एक्स, एक्स के सापेक्ष जो है टाइम के अलॉन्ग जो चेंजेस हो रहा है उसको हम लोग डिनोट करते हैं, और किस डायरेक्शन में हो रहा है उसको हम लोग लिखते हैं आई डायरेक्शन में, ठीक है। उसी प्रकार हम लोग सेम इसी टाइप से बढ़ते जाना है, डी वाई अपॉन डी टी हो जाएगा हमारा जेड कैप, ठीक। उसी प्रकार डी जेड अपॉन डी टी हो जाएगा हमारा के कैप हो जाएगा, ये इस प्रकार से, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग डिनोट कर सकते हैं। अब यहाँ पास आप लोग को सपोज करके चलना है कि हम लोग जो है यहाँ पर डी एक्स और डी एक्स अपॉन डी टी को हम लोग जो है वी एक्स मानते हैं, ठीक है। वी एक्स ऐसा मानते हैं, ये आप लोग को याद करना पड़ेगा। उसके बाद जो बचता है उसको हम लोग लिख देते हैं आपस, ठीक है। इसी प्रकार से वी वाई जेड हो जाए, ठीक है। जेड कैप यहाँ पास आप लोग कैप जरूर से लगाइए, क्योंकि आप लोग ग्रेजुएशन में है अभी इस साल, ठीक है ना। तो वी जेड हो जाएगा, ठीक है। वी जेड हो जाएगा वी के कैप, ये हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पास हम लोग इसको इक्वेशन नंबर वन दे देते हैं, इसको हम लोग इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये आप लोग इतना नोट कीजिएगा, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग को समझ में आ जाएगा। उसके बाद हम लोग जो है अब यहाँ पर जो वी एक्स वी वाई और वी जेड क्या है उसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो वी एक्स वी वाई जो है अक्ष की दिशा में कर्ण के वेग v के अवयव हैं, ठीक है। ये जो है वी एक्स वी वाई और वी जेड जो है यहाँ पर वी जेड वी वाई और वी जेड, ठीक है। वी जेड जो है कर्ण के वेग v के अवयव हैं, ठीक है। कर्ण के वेग v के अवयव हैं। तो यहाँ पास से आप लोग इसको नोट कर सकते हैं। दोस्तों मेरा राइटिंग थोड़ा ठीक नहीं है, तो आप लोग थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा, मैं अन्य स्टूडियो में थोड़ा सा इसको सुधार करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो उसके बाद जो है हम लोग को वी का जो है इसका मॉड्यूलर फॉर्म पूछता है, ठीक है। मॉड्यूल फॉर्म पूछता है, तो इसका मॉड में जो वैल्यू आता है वो क्या होता है, इसका जो मॉड में वैल्यू रहता है वो वी मॉड हो जाएगा, ठीक है। वी मॉड इज इक्वल टू, इसको हम लोग अंडर रूट इसे कैलकुलेट करते हैं, मैथ्स वालों को आसानी से पता होगा कि हम लोग वी का जो मॉड निकालते हैं तो हम लोग अंडर रूट यूज़ करते हैं, ठीक है। तो वी एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस वी वाई स्क्वायर प्लस वी जेड स्क्वायर हो जाएगा, इतना हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग कर्ण कर्ण का ये जो है वेग का जो है फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक है। कहाँ पर कर्ण की स्थिति निकाल चुके हम लोग, कर्ण का वेग भी निकाल चुके, ये जो है रियल इक्वेशन है, यहाँ पास से आप लोग इसको ब्रैकेट कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग जो है कर्ण का त्वरण निकालते हैं, ठीक है। तीन चीज़ें हम लोग को निकालनी है, तो यहाँ पास हम लोग त्वरण की बारी आती है, ठीक है। त्वरण हम लोग को निकालना है, तो त्वरण निकालने के लिए जस्ट हम लोग क्या होता है, वेग में परिवर्तन को हम लोग क्या बोलते हैं, त्वरण करते हैं, वेग में परिवर्तन को। अब परिवर्तन बहुत छोटा हो रहा है, ठीक है, आप लोग को बहुत छोटा छोटा मान के चलना है। तो जैसे ए से डिनोट करते हैं हम लोग, ये तो पता ही होगा आप लोग को। तो छोटा चेंज हो रहा है, मतलब इसको हम लोग क्या लिखते हैं, डी वी अपॉन डी टी, क्योंकि चूंकि टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, इसलिए हम लोग यहाँ पर डी वी अपॉन डी टी यूज़ करते हैं, ठीक है। उसी प्रकार हो जाएगा वी वी, अब हम लोग लिखते हैं कि जैसे वी का हम लोग तो यहाँ पास एक और फॉर्मूला निकाल चुके हैं यहाँ पास, ठीक है। तो वी का मान रखते हैं यहाँ पास डी अपॉन डी टी, ठीक है। डॉट यहाँ पास का क्या हो जाएगा, डी आर अपॉन डी टी हो जाएगा, ठीक है। तो इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा डी स्क्वायर
आर हो जाएगा, ठीक है, डी स्क्वायर आर कैप आर वेक्टर अपॉन डी टी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, इस प्रकार से हो जाएगा। फिर उसी प्रकार से हम लोग को जो पोजीशन आ गया, पोजीशन में हम लोग क्या लोग यूज़ करते हैं, वी एक्स वी वाई और वी जेड यूज़ करते हैं, तो सेम थिंग यहाँ पर हम लोग को यूज़ करना है, ठीक है। तो डी स्क्वायर अपॉन डी टी इज इक्वल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वी एक्स, ठीक है, वी एक्स आई प्लस डी स्क्वायर वी वाई अपॉन डी टी, यहाँ पर जेड हो जाएगा, ठीक है, फिर डी स्क्वायर वी जेड यहाँ पर के हो जाएगा अपॉन डी टी हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से उसी प्रकार से हम लोग जो है इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर जो है हम लोग इसको क्या यूज़ करते हैं, ए एक्स के फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है, ए एक्स, तो यहाँ हो जाएगा ये ए एक्स आई प्लस ए वाई जेड हो जाएगा, फिर हो जाएगा ए जेड के हो जाएगा, ठीक है, इस प्रकार से। और यहाँ पर जो है वेक्टर को हम लोग लिख सकते हैं ए ए, मतलब त्वरण निकाल रहे हैं तो एक्सेलरेशन का वेक्टर हो जाएगा ए एक्स आई प्लस ए वाई जेड प्लस ए जेड के हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पास से आप लोग इसका प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। आई होप कि आप लोग को दोस्तों समझ में आया होगा। इस प्रकार से हम लोग जो है कार्टिजन फॉर्म को यहाँ पास कंप्लीट करते हैं। आप लोग इसको अपने कॉपी में जो है अच्छे से नोट कर लीजिएगा, और जैसे समझ नहीं आया होगा तो एक बार और रिकैप करके देख लीजिएगा, और प्लीज़ जो भी आपके फ्रेंड हो गए उनके बीच शेयर कीजिएगा, और वीडियो को जो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। सो थैंक यू दोस्तों। अब हम लोग जो है नेक्स्ट पार्ट में जो है बेलनाकार निर्देशांक पद्धति का अध्ययन करने वाले हैं, ठीक है। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। सो थैंक यू एवरीवन।